नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। गुजरात और हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के एमसीडी चुनाव अब ख़त्म हो चुके हैं। सभी लोगों को इंतज़ार है 7 और 8 तारीख का। और इसी बीच हम जनता से बात करेंगे कि 2024 में आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर देश की जनता की क्या राय है। आखिरकार जनता किसे 2024 में देश का प्रधानमंत्री चुनना चाहती है और कौन है उनकी पहली पसंद। तमाम भीड़ यहाँ पर मौजूद है, लोगों से बात करते हैं कि 2024 के चुनावों को लेकर क्या रुझान है, क्या राय है उनकी। सर, क्या नाम है आपका? नागिंदर। हाँ, नागिंदर काम। ये बताइए, 24 में कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? 24 में बनना चाहिए ये नरेंद्र मोदी। बने नरेंद्र मोदी क्यों बनना चाहिए? अच्छा नेता। बस ऐसा नेता अभी तक लाया नहीं। हाँ। हिंदुस्तान के नाम रोशन किया। पर राहुल गांधी तो कहते हैं कि महंगाई बढ़ा रहे हैं मोदी जी। महंगाई तो 70 है मैडम, बुझे, महंगाई तो 70 बढ़ा हुआ है। वही पोजीशन में भारत अभी भी सही है महंगाई के हिसाब से। सही है। क्या नाम है? प्रमोद शाह। प्रमोद जी, आप मुझे बताइए, आपने कहा कि महंगाई बढ़ेगी क्योंकि काम हो रहा है, पर राहुल गांधी और तमाम जो नेता है वो ये कहते हैं कि मोदी जी सिर्फ अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं। ऐसा बात नहीं है, वो गरीबों के लिए भी नेता है और धनी का भी, सबका, अमीरों का भी है और गरीबों का भी नेता है। महंगाई बढ़ा रहे हैं, देश को बेच रहे हैं। रोड रास्ता विकास होगा तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ता है। हमको भूख लगेगा तो खाना खाएंगे ही, पैसा लगेगा ही, वही बात। देश को बेच रहे हैं मोदी जी? ना, ऐसा बात नहीं है। आप तो युवा है, कहते हैं देश में नौकरियां नहीं है, मोदी जी सिर्फ अपने लिए काम। अपने लिए मैडम नहीं काम कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं। मोदी का कोई भी नहीं है जो अपने लिए करेगा। अडानी अंबानी उनके दोस्त, ऐसा थोड़ी ना है कि मेरा कोई दोस्त रहेगा तो मैं अपना प्रॉपर्टी उसको दे दूंगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता ना। क्या कहेंगे ऐसे लोग जो आरोप लगाते हैं? झूठा है, गलत आरोप लगाते हैं। कौन बनना चाहिए 24 प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, क्या नाम है आपका? हर्षित। हर्षित, 2024 में कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? ऑब्वियसली मोदी जी इतना काम किए हुए हैं तो ऑब्वियसली उन्हीं को बनना चाहिए। देखिए, काम क्या नहीं कि आपको खुद दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ही काम किया है। देखिए, एज ए मैं लेके चलूँ, एज ए धर्म को रिलेट करूँ, धर्म को भी रिलेट करूँ, हर चीज़ को रिलेट करूँ, तो राम मंदिर जो कि बहुत दिन से अटका पड़ा था वो भी क्लियर करवा दिया, ठीक है। जो यूपी में भी इतना अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, दिल्ली में भी डेवलपमेंट हो रहा है, हर चीज़ हो रहा है। ये जो आपको कर्तव्य पथ जो इतना खूबसूरत बनाया है वो उन्हीं के आने के बाद ही बना है ये सब, तो हर चीज़ आप भी खुद देख रहे हैं कितना डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में, तो ऑब्वियसली मेरे को जहाँ तक लगता है कि उन्हीं को बनना चाहिए। क्योंकि आप यूथ हैं, राहुल गांधी भी अपने आप को यूथ कहते हैं, केजरीवाल कहते हैं हमारी पार्टी पढ़े लिखों की है, वो कहते हैं और वो कहते हैं मोदी जी जो भी काम करते हैं अपने दोस्तों के लिए करते हैं, उन्हीं का कर्जा माफ़ करते हैं, उन्हीं को। देखिए, कोई भी पार्टी बहुत साफ सुथरी नहीं है, ठीक है, या तो बीजेपी ले लीजिए या कांग्रेस ले लीजिए, ठीक है। मैं किसी का सपोर्ट नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं काम देखता हूँ कि कौन से अच्छा काम किया। देखिए, अगर कांग्रेस भी आ सकती है, हो सकता है कांग्रेस भी आ सकती है, ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी ही आएगी। राहुल गांधी अगर, हाँ, उनको देखा जाए पिछले, अगर उन्होंने काम किया होगा पिछला जो 70 साल, जो भी बोलते हैं लोग कि 70 साल उन्होंने काम नहीं किया, क्या नहीं किया, पिछला देखा जाए कि क्या काम किया उन्होंने, उस सारे को कैलकुलेट करके अगर वो भी बन सकते हैं, हो सकता है पब्लिक उनको वोट दे दे, ठीक है। वो यात्रा जो निकाले हैं राहुल जी, हाँ, भारत जोड़ो यात्रा, हो सकता है उससे कुछ फ़ायदा मिले, तो हो सकता है हम जैसे हम लोग नौजवान हैं या उनके एज के भी जो भी हैं, कोई भी है, तो हो सकता है उनको वोट दे दें, ठीक है। वो भी आपके हिसाब से कौन? देखिए, मेरे हिसाब से अभी के देखते हुए तो मोदी आए तो अच्छा है, क्योंकि जो सारे देश को, जो पाकिस्तान है छक्के छुड़ाए हुए हैं, सारे देश मतलब सलाम कर रहा है इंडिया को, तो आप तो मतलब एज ए मेरा अकॉर्डिंग मोदी सही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी लोगों से बात करते हैं, तमाम और लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है मैम आपका? ये बताइए, 2000 नगमा जी, कौन आना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? मुझे नॉलेज नहीं है, उनसे पूछो, खड़े मेरे जीजा खड़े, उनसे पूछो, मेरे जीजा बहुत नॉलेजदार है, उनसे पूछो। आपकी जीजा चली गई? जीजा है ना पीछे, ये रहे। चले आपके जीजा से पूछते हैं। मैडम, उन्होंने हमें आपके पास भेजा है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूबी शफीक। रूबी जी, अरे बोलना यार। चलिए आप बताइए, चलिए शफीक जी आप बताइए, क्या नाम है आपका? शराफत अली। शराफत जी, ये बताइए 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? अभी कोई पता नहीं है जी, अभी कुछ नहीं बता सकते। नहीं, लक का किसी का कुछ पता नहीं है। कुछ नहीं पता, किसी भी काम सही है, सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और लोगों से बात करते हैं, तमाम और भी यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे राय लेते हैं कि काम जो है वो कैसा चल रहा है, क्या काम पसंद है, 2024 में कौन बनना चाहिए।
सर क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार मेहरिया। सर कहाँ से आए हैं आप? कोलकाता से। कोलकाता से आए हैं सर, ये बताइए 2024 में कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी क्यों बने? बिल्कुल उनका काम जैसा है उन्हीं को बनना चाहिए। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं पूरे इंडिया में जी। जी हर तरफ तरक्की ही तरक्की है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चलिए कुछ लोग यहाँ मौजूद नजर आ रहे हैं, उनसे पूछते हैं। सर क्या नाम है आपका? अश्विनी कुमार। सर कहाँ से आए? हिमाचल से। हिमाचल से आए हैं सर, 2500 चुनाव हुए भी हैं सर, वहाँ पे कैसा माहौल है वैसे? अभी लग जाएगा कल, पता परसों? परसों सर, परसों लग जाएगा, परसों लग जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो क्या लग रहा है? कुछ नहीं बोल सकते, वोटर साइलेंट है इस बार तो कुछ साइलेंट है। हां ये बताइए सर 24 में कौन प्रधानमंत्री बने? अब ये भी पब्लिक के ऊपर डिपेंड है। तो सर आप पब्लिक का हिस्सा हैं, आप क्या चाहते हैं 2024 में कौन प्रधानमंत्री? नहीं हम पब्लिकली नहीं बोल सकते ना, ऐसे जो भी बनेगा हमारे लिए तो ठीक है, जो भी है जो भी बनेगा। जो भी बताया सर, आप बताइए क्या नाम है सर? शिव कुमार। सर आप मुझे बताइए 2024 में कौन प्रधानमंत्री? मोदी जी। मोदी जी क्यों बनने चाहिए? ईमानदार मोदी जी बनने चाहिए और क्या काम। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हम बनेंगे तो ज्यादा चीजें बदलाव हूँ। वो बन जाए तो और अच्छी बात है, ईमानदारी से काम करे, देश के लिए काम करेगा कोई तो अच्छा है। मोदी जी। हाँ चलिए, सर ने कहा कि मोदी जी। कुछ लोग खड़े हैं यहाँ पे, कहाँ से हैं आप लोग? उत्तर प्रदेश से आए हैं आप लोग, घूमने आए हैं? सभी वोटर्स हैं, सबकी 18 साल से उम्र ऊपर है। चलिए चलो, 2024 में कौन प्रधानमंत्री? मोदी जी को। मोदी जी क्यों बने? क्योंकि वो देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, सेना के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। सेना के लिए अच्छा काम। यूथ है आप, आने वाले कल का भविष्य है। अरविंद केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि हम अगर बनेंगे तो देश ज्यादा प्रगति करेगा। नहीं मोदी जी हैं तो प्रगति होगी, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, उनका एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। सबका विकास होना जरूरी है। क्या नाम है आपका? मुस्लिम खान। एक आप बताइए क्या नाम है? ऐश्वर्या सिंह। ऐश्वर्या कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। क्यों बनने चाहिए? क्योंकि उन्होंने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया जो कि अभी तक नहीं हुआ है। गिनवाइए जरा कुछ, क्या क्या किया है, क्या क्या नजरों में क्या क्या काम अच्छे लगे? जैसे उन्होंने लड़कियों के लिए बहुत कुछ किया है, जैसे पहले बहुत ज्यादा क्राइम होते थे लेकिन अब वो क्राइम बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं, और अब क्राइम खुलेआम नहीं होते हैं, वो फोन के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अब उन पर भी व्यवस्था की जा रही है। तो ये महिला सेफ्टी एक बड़ा मुद्दा है जिसके लिए आपने पीएम नरेंद्र मोदी का नाम। यस मैम। इसके अलावा कोई और अगर अल्टरनेटिव की बात करें तो राहुल गांधी है, इसी के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, जो कह रहे हैं कि हम आ जाएंगे तो व्यवस्था नहीं 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 इन तब ये लोग थे तब क्रिमिनल ज़्यादा होते थे, लेकिन अब क्रिमिनल कम है और लड़कियाँ एकदम सेफ हैं, वो कहीं भी अकेली जा सकती हैं। सेफ्टी है, सरकार है, अगर उनके पास कोई भी नहीं है तो वो अकेली जा सकती हैं। ये काम किए गए हैं मोदी सरकार। यस मैम। चलिए, उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार जो है वो इसीलिए आनी चाहिए क्योंकि महिलाओं के लिए सेफ्टी है। क्या नाम है आपका? संयम आहूजा। संयम कौन आना चाहिए 2024 में प्रधानमंत्री? आई थिंक प्रधानमंत्री टफ क्वेश्चन, बट आई थिंक बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी क्यों आनी चाहिए? उन्होंने काफ़ी कुछ करा है अभी, और उनके अपोनेंट में कोई ऐसी डिजर्विंग पार्टी है भी नहीं। आई डोंट थिंक कांग्रेस आ सकती है, और कोई इतनी बड़ी पार्टी है भी नहीं, सो आई थिंक बीजेपी।